कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो देखिए, इस वक्त पूरे देश भर में चुनावी शोर सुनने को मिल रहा है। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले हर एक पार्टी ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रयागराज लोकसभा सीट की। प्रयागराज लोकसभा सीट जहां पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, जिनेश्वर मिश्रा, मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम राजनीतिक दिग्गजों के साथ साथ अमिताभ बच्चन की भी प्रयागराज कर्मभूमि रही है, जो कि एक समय में अलाहाबाद के नाम से जानी जाती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से रीटा बहुगुणा जोशी, सपा से राजेंद्र प्रताप सिंह पटेल उर्फ खरे और आम आदमी पार्टी से किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर भवानी नाथ वाल्मीकि चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन यहां पर 2014 की तर्ज पर ही 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से माहौल अपने पक्ष में बनाया और जीत हासिल की। यानी कि 2014 और 2019 पर अगर हम नजर डालें, अगर हम प्रयागराज सीट की बात करें तो यहां पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से काबिज रही है। प्रयागराज की सीट कई मायनों में अहम हो जाती है। संगम नगरी भी प्रयागराज को कहते हैं, चूंकि ये एक यूपी का बड़ा धार्मिक स्थल है और यहां पर हर बार जो मुकाबला है वो बेहद ही रोमांचक होता है। और आजादी के बाद से अब तक 17 बार यहां आम चुनाव हुए हैं और 2 बार उपचुनाव भी हुए हैं और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा 7 बार कांग्रेस और 2 बार कांग्रेस आई को जीत हासिल हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 बार यहां से जीत हासिल की है। अलाहाबाद यानी कि प्रयागराज लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुए थे और पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी से श्री प्रकाश ने जीत हासिल की। फिर 1952 से लेकर 1971 तक हुए 5 चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस दौरान लगातार लाल बहादुर शास्त्री अलाहाबाद के सांसद रहे, तकरीबन 1962 तक। 1973 और 1977 के चुनाव में भारतीय क्रांति दल के ज्ञानेश्वर मिश्र ने यहां से जीत हासिल की और 1980 के चुनाव और उपचुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आई को जीत हासिल हुई थी। वहीं अगर हम बात करें इस सीट पर, तो इस सीट पर जो मुकाबला है वो हर बार बेहद ही रोमांचक दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक पार्टी अपना दमखम दिखाती है, जोर आजमाइश करती है और कुंभ के नाम पर हर बार वोट भी मांगती है। 2025 में एक बड़ा महाकुंभ का आयोजन होगा, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयारी भी कर रही है और उसी के नाम पर अब कहीं ना कहीं संगम नगरी प्रयागराज में वोट मांगे जाएंगे। प्रयागराज जिले में 2 संसदीय सीट्स हैं, यहाँ से 2 सांसद चुने जाते हैं और फिलहाल मौजूदा स्थिति में इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। प्रयागराज की लोकसभा सीट से सांसद रीटा बहुगुणा जोशी फिलहाल काबिज हैं और लगातार वो हुंकार भी भरती हैं और अटकलें हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर उनका रिपोर्ट कार्ड एकदम सटीक पाया गया तो फिर से बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में उतारेगी। और फूलपुर सीट भी प्रयागराज जिले के अंदर ही आती है और ये भी लोकसभा सीट है। फिलहाल 2019 की अगर हम नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी के केसरी देवी पटेल इस सीट पर जीत हासिल किए हैं। तो देखिए, ये दोनों ही सीटें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन इस सीट का सियासी समीकरण भी बेहद दिलचस्प है। अगर हम यहाँ पर जनगणना की बात करें या यूं कहें कि अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर 1.5 लाख यादव वोटर्स हैं, तकरीबन 2 लाख मुस्लिम मतदाता है और 2,10,000 कुर्मी वोटर्स भी संगम नगरी प्रयागराज में है और 2,35,000 ब्राह्मण वोटर भी प्रयागराज से आते हैं और 1.25 लाख दलित, इसके साथ 1 लाख कोल वोटर्स भी प्रयागराज में है। तो देखिए, यहाँ पर हर एक जाति जो है वो निर्णायक भूमिका निभाती है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मण। कहा जाता है इस सीट को लेकर कि ब्राह्मण जिसके पक्ष में है जीत लगभग उसकी तय मानी जाती है, क्योंकि ब्राह्मण तकरीबन 2,35,000 यहाँ पर हैं। यही वजह है कि इस सीट पर हर एक पार्टी अपने मजबूत दावेदारी पेश करती है। एक वो भी दौर था जब इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, यानी एक समय वो भी था जब प्रयागराज की सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर समय रहते रहते जो बयार है वो बदली है, लोगों के विकास के मुद्दे बदले हैं और इसके साथ ही पार्टियां भी बदली हैं। समाजवादी पार्टी भी तकरीबन 10 साल तक इस सीट पर काबिज रही, फिर भारतीय जनता पार्टी का दौर आया और भारतीय जनता पार्टी भी अभी फिलहाल इस सीट पर काबिज है। एक बड़ा अध्यात्म का केंद्र जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, यही वजह है कि प्रयागराज को संगम नगरी भी कहते हैं और ये एक बड़ी धार्मिक नगरी के तौर पर जानी जाती है।
और आजादी के बाद से इसका भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अब तक यहाँ पर 17 बार आम चुनाव हुए हैं और 2 बार उपचुनाव हुए हैं और सबसे ज्यादा कांग्रेस ने सीट हासिल की है और जीत हासिल की है। 7 बार कांग्रेस, 2 बार कांग्रेस आई को जीत मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 बार जीत हासिल की है और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी इस सीट पर काबिज हैं। तो मुकाबला रोमांचक है क्योंकि इस बार की स्थितियां परिस्थितियां बहुत अलग हैं, क्योंकि तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और आईएनडीआईए अब मजबूती की बात करता है। फिलहाल अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो विधानसभा चुनाव में ही आईएनडीआईए गठबंधन में रार देखने को मिल रही है। अब ये रार क्या लोकसभा चुनाव तक खत्म हो पाएगी क्या, ये बड़ा सवाल है क्योंकि आईएनडीआईए गठबंधन एकमुश्त होकर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करता है और साफ तौर पर आईएनडीआईए के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव जीत गए तो देश में तानाशाही होगी। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में विपक्षी दल तितर बितर होते हुए नजर आ रहे हैं, अब उस बात और उस स्थिति और उस तस्वीरों को देखकर अब कहीं ना कहीं आईएनडीआईए के भविष्य पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या होगा आईएनडीआईए का भविष्य। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल और है कि प्रयागराज जिले में 2 संसदीय सीट है, यानी कि यहां से 2 सांसद चुने जाते हैं। फूलपुर सीट ऐसी सीट है जिस पर नीतीश कुमार की भी नजर बनी हुई है, क्योंकि अगर हम बीते कुछ महीनों पर गौर करें तो नीतीश कुमार की तरफ से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि वो फूलपुर की सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए फूलपुर में एक बड़ी चुनौती बन पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बेहद ही मजबूती के साथ आईएनडीआईए गठबंधन पर काम करने की बात कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि अगर हम विधानसभा चुनाव में ही लड़ेंगे तो आखिर हम लोकसभा चुनाव में अपनी एकता का जो परिचय है वो कैसे दे पाएंगे, सवाल भी उनका लाजमी है। क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही जिस तरीके से आईएनडीआईए गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है, अब क्या वो अगले साल तक चल पाएगा क्या? क्या जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ये कहता था कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं, क्या वाकई ये उस लेवल की चुनौती भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दे पाएगा क्या? आज ये तमाम ऐसे बड़े सवाल है जिस पर हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की, जहां का सियासी समीकरण भी बहुत अलग है और वहां के विकास के मुद्दे भी अलग हैं, क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित होता है। 2019 के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने महाकुंभ को सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को मुद्दा बनाया और वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा भी जताया और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत भी हासिल कर चुकी है। यानी कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रीता बहुगुणा जोशी पर जनता ने भरपूर प्यार लुटाया था और वहीं फूलपुर पर भी भारतीय जनता पार्टी काबिज है। अब क्या 2025 का महाकुंभ भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाएगी कि जिस तरीके से जिस तर्ज पर 2019 के पहले महाकुंभ संपन्न कराया गया था उसी तरह 2025 का महाकुंभ भी संपन्न होगा? तो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की लहर में तमाम दल बहते हुए नजर आए और जो नतीजे हैं वो इस बात को और पुख्ता करते हैं। लेकिन क्या इस बार देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है? क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता वोट देगी क्या? आज ये बहुत बड़े और अहम सवाल है जिन पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रयागराज का लगातार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज हम प्रयागराज की सीट पर बात करेंगे कि क्या है प्रयागराज का जातीय समीकरण, प्रयागराज की इस सीट पर कौन सी जो जाति है वो निर्णायक भूमिका निभाती है और इस वक्त ग्राउंड जीरो का माहौल क्या है, यानी कि जनता किसके पक्ष में ज्यादा जाती हुई नजर आ रही है और क्या वाकई अभी भी जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो प्रयागराज लोकसभा सीट हर एक पार्टी के लिए बहुत अहम, बहुत मायने रखती है क्योंकि ये तमाम राजनीतिक दिग्गजों की कर्मभूमि रही है। मुरली मनोहर जोशी की भी ये कर्मभूमि रही है, इसके साथ ही तमाम जो नेता हैं
दिग्गज नेता, उनकी भी कर्मभूमि रही है। यही वजह है कि यहां पर हर एक पार्टी अपनी जोर आजमाइश करती है, अपने अपने तरीके से जनता के बीच पहुंचती है और जनता का विश्वास पाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार की जो चुनाव है, जो परिस्थितियां हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, वो काफी अलग है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बड़ी होगी? क्या इस बार INDIA गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी चुनौती दे पाएगा? और प्रयागराज की जनता का आखिर मूड क्या है और प्रयागराज की जनता आखिर किसके पक्ष में है? आज ये तमाम ऐसे बड़े सवाल है जिस पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ राजनाथ तिवारी, नेता कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं। आचार्य श्रीकांत शास्त्री वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग संत, नेता BJP, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वही श्री प्रकाश राय, समाजवादी पार्टी के नेता, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अनुराग संत जी से करूंगी। देखिए अनुराग संत जी, जिस तरीके से INDIA गठबंधन एक मुश्त होकर यह कह रहा है कि हम NDA को हरा देंगे, और अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो विधानसभा चुनाव में ही यह गठबंधन तितर बितर होता हुआ नजर आ रहा है, तमाम अगर हम नेताओं के बयानों पर गौर करें, क्या वाकई INDIA गठबंधन को आप एक चुनौती मान रहे हैं? क्या यह प्रयागराज में आपके लिए चुनौती है? हुआ सभी भेड़ियों में, सब भेड़िया राजा बनना चाहते हैं, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, सभी चिल्ला रहे हैं, जबकि किसी प्रकार से इनके पास ना कोई राजा है। ये शुरू से भेड़िया थे, आज भी भेड़िया है, पब्लिक को बस गीता भक्ति दिखा रहे हैं भेड़िया बनकर के, और इनका कोई रूप है नहीं। ठीक है, तो देखिए तमाम आपने गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन अब इसका जवाब लेंगे। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता श्री प्रकाश राय भी हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। देखिए श्री प्रकाश राय जी, अनुराग संत जी साफ तौर पर ये कहते हैं कि आपकी पार्टी का फिलहाल हाल ये है कि इस जंगल का शेर मैं हूँ, इस जंगल का शेर मैं हूँ, लेकिन जब एकता की बात आती है तो सब तितर बितर हो जाते हैं। किस तरीके से आप NDA को चुनौती देंगे ऐसे? मुस्कान जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता भेड़ बकरी और भेड़िया से शुरू किया है। जंगल का राजा कौन? जंगल का राजा से अगर ये मानते हैं मोदी जी को, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि देश में राजा रानी सब खत्म हो गए। अब तो सीधी सीधी बात है कि जनता जवाब देगी, और जंगल का शेर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, सरकारें आती और जाती रहती हैं, मुद्दे बदलते रहते हैं, और इस बार जो है जिस तरीके से जनता के सामने महंगाई का मुद्दा है, बलात्कार है, महिला उत्पीड़न है, व्यापारी त्रस्त है, खुलेआम गोलियां मारी जा रही हैं, खंभे में बांध करके जो है लोग जो है लाठियों से पीट रहे हैं, नाबालिग लड़कियां जो हैं उनका बलात्कार हो रहा है, किसान बेहाल है, नौजवान को रोजगार नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर में सरकार में रह के, जंगल में रह के और इंडिया को में जंगल बांध करके शेर अगर आप हो, आप यही भेड़िया यही गीजर यही सियार सब मिल करके ऐसा दौड़ाएंगे कि अब जो है NDA गठबंधन जो है कहीं दूर चला जाएगा और आता पता नहीं चलेगा। सबसे बड़ा जो है देश की हमारी जनता है, प्रदेश की हमारी जनता है, हमारे नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, ये आने वाले चुनाव में जवाब मिल जाएगा, इंतजार करने की जरूरत है। ठीक है, बतौर वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्रीकांत शास्त्री जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य श्रीकांत शास्त्री जी, यूं तो हर एक जिले हर एक प्रदेश का मुद्दा बेहद ही अलग अलग होता है। आज हम बात कर रहे हैं प्रयागराज जिले की, और जहां से 2 सांसद चुने जाते हैं। ऐसे में जिस तरीके से हर एक पार्टी अपनी ताल ठोक रही है, मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, जो जातीय समीकरण है प्रयागराज का वो क्या कहता है, और जनता फिलहाल किसके पक्ष में जाती हुई ज्यादा नजर आ रही है? धन्यवाद। दरअसल आपने प्रयागराज की जहां तक बात की है, प्रयागराज में इलाहाबाद और फूलपुर 2 संसदीय क्षेत्र है जी। यहां जब शुरू से लेकर अभी तक का प्रयागराज के बारे में आप अभी चर्चा की थी,
तो प्रयागराज बता रहा हूँ, तो पहले सामान्य मेला, अर्धकुंभ और कुंभ, ये तीन प्रकार के मेला लगते हैं। यहाँ पूरे देश, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। यहाँ पूरे देश और दुनिया के एक तस्वीर अलग दी जाती है। प्रयागराज की राजनीति अपने आप में एक अहम रही है। उसी के तौर पर यहाँ अमिताभ बच्चन भी चुनाव लड़े हैं कांग्रेस की ओर से, पहुड़ा जी भी चुनाव लड़े हुए हैं, और ये विकास विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उसी डॉक्टर जोशी ने लड़े हुए हैं। लेकिन वर्तमान जो परिवेश है, सबको देखते हुए जो चुनाव हुआ है अभी तक, हमको ये लग रहा है कि ये समीकरण अभी बिगड़ने वाला नहीं है। जैसे चल रहा था उसी तरह चाहे प्रत्याशी को भी हो, बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नेता कांग्रेस भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजनाथ तिवारी जी। राजनाथ तिवारी जी, देखिए लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब आप में एका नहीं है तो आप किस बिना पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुपड़ा साफ करने की बात करते हैं। एके मुस्कान जी, सबसे पहले तो लखनऊ से आप लाइव है प्रयागराज वासियों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। आप जनता की नब्ज जानने का प्रयास कर रही हैं जी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके खिलाफ भी विपक्ष में कोई ज्वाइंट साझा उम्मीदवार देश की जनता में नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगा कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का इस देश में कोई विकल्प नहीं है 2004 में। लेकिन आपने देखा कि उसके पूर्व कोई लीडरशिप विपक्ष में नहीं थी, कांग्रेस भी लीडरशिप से हीन थी, सोनिया गांधी ही केवल अपना बैठी थी दस जनपद में। लेकिन आपने देखा कि इसके बाद पोस्ट पोल विपक्ष इकट्ठा होकर के मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना दिया था, जो चुनाव पूर्व लीडरशिप के दौर में ही नहीं। आज जब जनता पूरी तौर पर प्रताड़ित होती है और जनता नेतृत्व से या सरकार से पूरी तौर पे खिन्न होती है, तो जनता का दबाव ही होता है जो विपक्ष को एक मंच पर ला देता है। 2024 उसी को दोहराने जा रहा है। अब चाहे पोस्ट पोल लीडरशिप डेवलप हो जाए या प्री पोल लीडरशिप डेवलप हो जाए, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काफी लंबे अरसे बाद विपक्ष एक मंच पर आया है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आप जैसी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए जो है ये इंडिया गठबंधन वो बिखरने जा रहा। ये भी एक दुष्प्रचार है। आप, मैं बताऊं, 2004 से पहले सारे दल अलग अलग चुनाव लड़े थे, यहां तक कि एक दल दूसरे दल का विरोध किया था, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस किया। ये विधानसभा चुनाव है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का कोई पूर्व प्री पोल अलायंस नहीं है, इसलिए वो दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो बोलेंगे बोलते रहेंगे। किंतु 2024 के चुनाव के पूर्व, लोकसभा चुनाव से पूर्व, इंडिया गठबंधन पूरी तौर पर एकजुट है और एकजुट रहेगा, और जन दबाव ऐसा है कि सारे विपक्ष एक मंच पर आ रहे हैं और उनको आना मजबूरी है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आपको मैं एक बात बताऊं, विश्व में भारत पहला देश है जहां इतना महंगा गैस बेचा जा रहा है। विश्व के विकसित राष्ट्रों में भी इतनी महंगी गैस नहीं बेची जा रही। पेट्रोल के मामले में भारत विश्व में तीसरे नंबर का महंगा देश है जो कि पेट्रोल बेचा जा रहा है इतना महंगा। महंगाई चरम पर है, और अभी वैश्विक एजेंसियों ने एक सर्वे करके बताया कि भूखमरी इंडेक्स में भारत 111वें नंबर पर है। 2014 से पहले मनमोहन की सरकार में भारत 55वें नंबर पे था भूखमरी इंडेक्स में, मुस्कान जी, लेकिन आज भारत 111वें स्थान पर है भूखमरी इंडेक्स में, जबकि फ्री राशन बांट दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि फ्री राशन जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा है, ये बिचौलिए ही फ्री राशन का उपयोग कर रहे हैं और वही बंदर बांट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए फिलहाल राजनाथ तिवारी जी, अब तो ये जो फ्री राशन की योजना है ये और बढ़ा दिया गया है, खैर इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए आपने जिक्र किया
श्रीकांत शास्त्री जी की प्रयागराज कुंभ और महाकुंभ तीन तरह के मेलों का आयोजन कराता है, जिसमें वैश्विक स्तर से लोग आते हैं, जुड़ते हैं और किस तरीके से संगम नगरी की खूबसूरती है, भव्यता है, उसे देखते हैं। क्या कुंभ और महाकुंभ 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा? क्या इसके नाम पर भी प्रयागराज में वोट मांगे जाएंगे? क्या क्या लगता है? जी 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 मुस्कान जी, इसके पहले भी पिछली सरकारों में कुंभ, अर्धकुंभ और सामान्य मेला हुआ करता था। तमाम ऐसी समस्याएं यहाँ आई और तमाम हजारों हजार लोग मर गए। केंद्र सरकार कहती रही कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, राज्य सरकार कहती रह गई हमारी जिम्मेदारी नहीं, और जनता पिसती रही। उसके मद्देनजर, उसके दृष्टिकोण में ये दोनों वर्तमान प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार जो जिस तरह से कुंभ, अर्धकुंभ और सामान्य मेला करा रही है, ये पूरे दुनिया में संदेश दे रही है, ये जरूर मुद्दा बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसको लाभ मिलेगा। लेकिन देखिए, ये जो कुंभ महाकुंभ और ये जो अर्धकुंभ मुद्दा बनेगा, क्या ये बहुत बड़ा खेल कर सकता है क्या? क्या नतीजों में प्रयागराज के बड़ा उलटफेर हो सकता है क्या? जी जी मुस्कान जी, अभी 2018-19 में जो था उसी के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें मोदी जी को पूरा फायदा हुआ। ये पूरी दुनिया का मेला है, प्रयागराज का मेला पूरी दुनिया का मेला है, पूरे देश का मेला है। यहाँ से लोग जाते हैं अपने घर में, पूरा एक नया संदेश देते हैं कि हमको क्या व्यवस्था दी गई, किस तरह से मेला में व्यवस्था रहा, मेला का क्या सारी बातें रही, ये बहुत बड़ा संदेश देता है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं कुंभ इस बार भी चुनावी मैदान में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। अनुराग जी, आप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार ने भी जिक्र किया और हम भी जिक्र कर रहे हैं कि कुंभ महाकुंभ का कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनकर उभरता है, क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज है जहां पर देश के हर एक कोने से या विश्व के हर एक कोने से लोग आते हैं यहाँ की भव्यता, क्योंकि तीन बड़ी नदियों का यहाँ संगम होता है, उसको देखते हैं। अब 2018-19 में तो आपने कुंभ को मुद्दा बनाया था, जनता ने आप पर विश्वास जताया था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज में कौन से चुनावी मुद्दों को लेकर उतरेगी? देखिए, पहली बात तो जो हमारा ये मेला है ये कोई मुद्दा नहीं है। सनातन संस्कृति की परंपरा को हम लोग निर्वाह कर रहे हैं और शुरू से करते आए हैं। इससे पूर्व की सरकारें रही हैं, उन्होंने मेला को दुरुपयोग किया, पैसा कमाया, एक क्या बोलते हैं दूध देने वाली गाय की तरह उसको निचोड़ा केवल, और कुछ नहीं किया है। हमारी सरकार आने के बाद से आपने देखा होगा इस मेले को किस हिसाब से बहुत बड़े स्केल पे एक तरह से तैयार किया गया, और आज का मेला जो है विश्व प्रसिद्ध है हमारा। तो हम इसको मुद्दा नहीं कहेंगे, ये हमारी एक परंपरा है सनातनी, जो पूर्व की सरकारें ना निर्वाह करके हमारी सरकार इसको निर्वाह कर रही है। तो अब ये हम जनमानस के लिए एक मेला के रूप है, एक सनातनियों के लिए मेला है ये। ठीक है, श्री प्रकाश राय जी, प्रयागराज के जो जिले हैं यहाँ से दो सांसद चुने जाते हैं, इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ, फिर से कर रही हूँ, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद काबिज है, यानी कि ये दोनों ही सीटें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसे में ये सीटें अपने पक्ष में लाने के लिए क्या रणनीति होगी? हाँ देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रयागराज बुद्धिजीवियों का बल है। और आपने जैसे शुरू में आपने बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और बड़े बड़े लोग जो हैं ये प्रयागराज से, दो संसदीय क्षेत्र है, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र, फूलपुर, दो यहाँ संसदीय क्षेत्र हैं, और इलाहाबाद का दो विधानसभा भदोही क्षेत्र में भी जाता है। देखिए, यहाँ पर जनेश्वर मिश्रा जी से लेकर के और नेहरू जी, जमुनापाल में एच एन बहुगुना जी और बहुगुना जी के साथ साथ अमिताभ बच्चन भी चुनाव लड़े थे। बिल्कुल, देख, और ये सब जीती थे। देखिए, वक्त बदलता रहता है, मैंने कहा था ना कि मुद्दे बदलते रहते हैं। अब धर्म के आधार पर कोई गणना करना कि भारतीय जनता पार्टी मेला लगवा रही है, तो क्या देश में जितने लोग मेला लगवा देंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो जो है, हमने पहले बोला यहाँ पर मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे साथी ने कहा कि मेला मुद्दा नहीं है, ये बात सही है। देखिए, मेला आस्था का मेला है, और आस्था के मेला है जो सनातनी है, जो हिंदू है, उसमें कुर्मी बिरादरी भी है, यादव बिरादरी भी है, पासी समाज भी है, हरदेव भी है, और यादव भी है, और सभी जात के लोग,
लेकिन धर्म का हिंदू धर्म के नाम पर ये सारे लोग जो है संगम में जो डुबकी लगाने आएंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मुस्कान जी, मैंने पहले बताया है धर्म की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, धर्म की राजनीति नहीं है, मेला कोई और लोगों की भावनाओं का आपको कुचलना, इसलिए आप उसको मुद्दा बना, देश के अंदर इस तरीके की बात करना, राम मंदिर बन गया, करके बोलेंगे प्लीज प्लीज, मैं सबके पास आऊंगी, एक एक कॉमेंट लेने, पहले फिलहाल श्री प्रकाश जी को बोलने दीजिए। जी बताइए। यहाँ पर देश के अंदर ये कानून और संविधान सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी सरकार में थी। आज देश के अंदर अयोध्या मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था, जब न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कर दिया तो सीना ठोक करके आप कह रहे हो कि मैंने जो है मंदिर बनवा दिया और मैं यहाँ पर मैंने जो है अदालत को, क्या अदालत को खरीद लिया है, क्या न्यायालय को खरीद लिया है? अगर न्यायालय और संविधान और कानून की रक्षा अगर किया था, अस्थगन आदेश था, मुलायम सिंह यादव ने रक्षा किया था, और आप लोगों की सरकार थी कल्याण सिंह की, आप लोगों ने कानून को तोड़ने का काम किया था, बाबरी मस्जिद को शहीद करने का काम किया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम जो किया आपने उत्तर प्रदेश में, देश में आपने सरकार बनाई, लेकिन हम वो नहीं चलने वाला। ठीक है, देखिए तमाम आरोप लगाए गए हैं आप पे अनुराग संत जी, आप उन आरोपों का तो जवाब दीजिएगा ही, लेकिन देखिए साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इस चुनावी मुद्दे में भी धर्म की राजनीति करेगी, धर्म के नाम पर वोट मांगेगी, क्या कमेंट होगा इस पर आपका? नहीं नहीं, धर्म नहीं, हम तो कह रहे हैं धर्म की अगर राजनीति कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं ना, ये क्यों नहीं कर लेते धर्म की राजनीति? इनको किसने रोका है धर्म की राजनीति रोक करने से? क्यों अयोध्या में लाठीचार्ज करवाई थी? कानून तोड़ा, अरे छोड़ते हैं ना राम मंदिर का मुद्दा, वहां पर 2024 में राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, कब तक हम राम मुद्दे को एक मुद्दा बनाएंगे? क्योंकि जनता के पास बहुत मुद्दे हैं, जनता विकास चाहती है, अब जनता बदल चुकी है, जनता के मुद्दे बदल चुके हैं, और जिस सीट की हम बात कर रहे हैं वहां पे छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में हर साल आते हैं तैयारी करने, वहां रहते हैं ना। मुस्कान जी मैं सहमत हूं आपसे, विकास और विस्तार मुद्दा होना चाहिए, धर्म के मुद्दे बहुत चल चुके हैं, बीजेपी को कैश करना था कर लिया, अब इस बार धर्म का कोई मुद्दा चलेगा नहीं। जनता इस समय विकास, रोजगार और महंगाई पूछ रही है, आज इनको जवाब इस बात का देना होगा कि 2 करोड़ नौकरियां मैंने दिया कि नहीं दिया 5 सालों में, हमने जो है विकास के जो वादे किए थे वो हुआ कि नहीं हुआ, नौकरियां देखिए, बेरोजगारी दर में हम कमी ला पाए कि नहीं ला पाए? मुस्कान जी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 से पहले भारत की बेरोजगारी दर 4.9% थी, आज मोदी राज में भारत की बेरोजगारी दर 8.3% है, लगभग 2 गुना बेरोजगारी दर बढ़ी है। जनता आज इस बात का सवाल जवाब चाहती है, आज जनता महंगाई से जूझ रही है, आय के स्रोत घट रहे हैं, और अभी आपको हुआ है बचत दर 50 वर्ष में भारत की प्रति व्यक्ति बचत दर घटी है, ये रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं। अगर हमारी जेब में बचत के पैसे ही नहीं होंगे तो संकट के समय हम अपने पर उस पैसे का उपयोग हम कहां से करेंगे, कितना कर्ज लेकर करेंगे? और अभी एक RTI से जानकारी मिली है कि 25 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ हुआ है लोन का, इसका मतलब कि वो बैड लोन थे और वो लोग कमा करके लोन की असमर्थ है। देखिए राजनाथ तिवारी जी, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, ठीक वैसे ही एक रिपोर्ट आज मेरे पास भी आई है जिसमें कहा गया है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हर विधानसभा चुनाव में आप बांट रहे हैं, इसका सीधा जो बोझ है वो जनता की जेब पर आ रहा है, जो आप मुफ्त की योजनाएं दे रहे हैं ना उसका कहीं ना कहीं कर्ज जो है वो जनता ही चुकाएगी, क्योंकि आप ऐलान कर देंगे लेकिन जनता ही
आपकी जो मुफ्त की रेवड़ियां है, जो योजनाएं है, उसका भुगतान जनता को करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। आचार्य श्रीकांत शास्त्री जी, आप लगातार बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो एक छोटा सा कॉमेंट इन सभी आरोपों पर दीजिएगा। लेकिन हम लगातार बात कर रहे हैं प्रयागराज की सीट की, जहां से दो सीटें आती है, जहां से दो सांसद जाते हैं। ऐसे में बीते दिनों अगर हम नीतीश कुमार के बयान पर एक गौर करें, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में ये कहा था कि वो बिहार की राजनीति में तो सक्रिय हैं, लेकिन फूलपुर सीट से भी वो चुनावी हुंकार भर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर साबित होगा? जी जी मुस्कान जी, जहां तक प्रयागराज इलाहाबाद की राजनीति बात है, यहाँ हेलो जी बोलिए, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। जी यहाँ प्रयागराज इलाहाबाद की जहां तक राजनीति है, यहाँ नीतीश का कोई ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। रही बात प्रयागराज का स्वयं का एक जो एक बुनियादी व्यवस्था है, बुनियादी सोच है, बुनियादी लोग है, वो प्रयागराज में ऐसा कोई यहाँ जगह प्रभाव नहीं है। लेकिन देखिए मुस्कान जी, प्रयागराज के बारे में मैं बताना चाह रहा था, जो अभी यह सर्वधर्म संभाव की बात मैं कर रहा था। सर्वधर्म संभाव, यहाँ सब लोग आते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सब लोग अपने अपने कार्य से आते हैं, कोई बिजनेस के माध्यम से, कोई धर्म के माध्यम से। ये आस्था का कुंभ है, ये धर्म का कुंभ है, किसी के व्यक्तिगत कुंभ नहीं है, किसी के पार्टी का नहीं है। लेकिन पिछली सरकार में जिस तरह से लगातार हम लोग कवरेज करते चले आए हैं, हजारों हजार लोग मर गए थे, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, केवल एक दूसरे पर जिम्मेदारी फोक करके हटा करके कि मेरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी, मेरी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार था। जिस तरह से लाशों पर राजनीति की जा रही थी, हजारों हजार स्टेशन पर मर गए थे, स्टेशन के पुल टूट गए थे, इस प्रकार से राजनीति जो हो रही थी, इसके इस आधार पर आस्था का कुंभ है, लोग अच्छाई देख करके जा रहे हैं, बताएंगे, ये इसलिए है। ये कोई किसी पार्टी का धर्म नहीं है, कि प्रयाग सदियों से चलता चला आया सनातन धर्म है, लेकिन प्रयागराज में जो व्यवस्था है, विश्वास है, इस सरकार ने दिया है धर्म यात्रियों को। ठीक है, अब हम आखिरी कमेंट लेंगे। देखिए श्री प्रकाश राय जी, अभी आपने राजनाथ तिवारी जी की बातों को सुना होगा, वो साफ तौर पर एक बात कहते हुए आज भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ये जो गठबंधन है ना, ये लोकसभा के लिए बना है, विधानसभा का तो जिक्र ही नहीं था। लेकिन अगर हम अखिलेश यादव के बयान पर गौर करें, तो अखिलेश यादव ने खुलकर मीडिया के सामने ये कहा था कि अगर हमें पता होता कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए है, तो हम गठबंधन करते ही नहीं। ऐसे में आप किस बिनाम पर जीत की दावेदारी पेश कर रहे हैं? क्या अगली बैठक हुई है? क्या सीट शेयरिंग पर बात बन पाई है? क्या देखिए, ऐसा है कि जहां तक गठबंधन की बात है, ठीक है, अगर विधानसभा में कोई समझौता नहीं हो पाया, कहते हैं पार्लियामेंट में है, आगे आने वाले चुनाव में हम लोग देखेंगे। लेकिन जहां तक एक सवाल आपने किया था मुस्कान जी, कि नीतीश कुमार के आने से इलाहाबाद में जी फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जी, मैं उसका जवाब दे दूं बिल्कुल कि इलाहाबाद में नहीं, नीतीश कुमार के फूलपुर लड़ जाने से पूरे प्रदेश में फर्क पड़ेगा। जो पिछड़े समाज के कुछ लोगों को धारा से अलग करके भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी बांटी है, ऐसा फर्क और कहीं भी अथा पता नहीं है, कौन लड़ेगा? मैं बता रहा हूँ, इलाहाबाद को हम लोग जीतेंगे ही, आस पास के 10-20 जिलों में जीतेंगे, और बनारस में मोदी जी अपनी सीट को बचा लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पहली मीटिंग, पहली सभा अगर होगी तो बनारस से शुरू होगी, और हमारी कैंडिडेट के रूप में चल रहा है पल्लवी पटेल को हम लोग बनारस भी जीतेंगे, इलाहाबाद भी जीतेंगे, और गठबंधन के साथ ना करके मजबूती से इस देश के भारतीय जनता पार्टी को उठाने का काम करें। लेकिन देखिए श्री प्रकाश राय जी, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी हम जीतेंगे, लेकिन प्रयागराज को जीतने के लिए क्या रणनीति है? क्योंकि प्रयागराज की दोनों सीटें तो बीजेपी के पास है। बनारस पे चर्चा करेंगे, लेकिन प्रयागराज को लेके क्या प्रयागराज है ना, आज है 24 में बताया जाएगा, जब इनके नेता को नहीं पता है, मुखिया को नहीं पता है कि क्या हो रहा है, जनता समझ गई, जिला चुनाव एक को नहीं पता था, किसी को क्या पता, मीडिया का गठबंधन है, ठीक है, एक एक करके बोलेंगे।
ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके बोलेंगे प्लीज, मैं एक एक करके सबका रुख करूंगी। अनुराग सर मुझे देखिए, जातीय जनगणना बिहार में हो चुकी है और अब ये पूरे देश भर में मुद्दा बन रही है। ठीक है ठीक है, मैं वापस आऊंगी। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपसे गुजारिश करूंगी, मैं आप सभी से मेरी गुजारिश है, प्लीज अपनी बातों को एक एक करके रखिए ताकि हमारे जो दर्शक है वो सुन पाए और समझ पाए कि आपकी रणनीति क्या है, आप किस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे, समस्या क्या है। ठीक है, शिवप्रकाश राय जी वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन अनुराग संत जी मेरा अब सवाल आपसे है, अनुराग संत जी मेरा सवाल अब सीधा आपसे है कि बिहार का जो जातीय जनगणना हुआ है अब उसको मुद्दा पूरे देश भर में कांग्रेस बना रही है, समाजवादी पार्टी बना रही है। अभी इशारों इशारों में श्री प्रकाश राय जी ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार यूपी की राजनीति में सक्रिय होते हैं, अगर यूपी की राजनीति में उनकी एंट्री होती है, एक सेकेंड आप मेरा सवाल सुनिए, महिला को आरक्षण नहीं देंगे, ठीक है आरक्षण नहीं देंगे, कानून पास कर देंगे, ठीक है श्री प्रकाश राय जी भी इस पे जवाब ले लूंगी, लेकिन अनुराग सिंह जी जातीय जनगणना की कार्ड प्रयागराज में क्या है आपके पास, क्योंकि साफ तौर पर सपा के जो नेता है वो यही कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो वो पिछड़ों के लिए एक संजीवनी जैसे साबित हो जाएंगे, तो अब जातीय जनगणना का कार्ड यहाँ भी खेला गया। आपको बताया कि पहले इनका जो INDA का गठबंधन है ये तो तय हो कि कौन लड़ेगा कौन, कुछ पता ही नहीं है, तो पहली बात जनता जो है अखिलेश जी है सबका स्वागत है, कैंडिडेट तो ये कहीं से नहीं बताते रहे हम लोग, चाहते हैं चाहते हैं ठीक है फिलहाल वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, प्रयागराज का सियासी समीकरण जितना दिलचस्प है उतनी ही दिलचस्प यहाँ की राजनीति भी है, यहाँ की राजनीति में हर एक नेता सक्रिय हो चुका है, क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि वो फूलपुर से भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, चूंकि फूलपुर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी कि यहां से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और प्रयागराज से भी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, तो ऐसे में प्रयागराज जिले की दोनों ही सीटों पर फिलहाल बीजेपी काबिज है। लेकिन अब बीजेपी को हटाने के लिए जिस तरीके से INDIA गठबंधन एकजुट होने की बात करता है, क्या वाकई ये गठबंधन, पहला सवाल है कि टिक पाएगा, क्या वाकई जिस तरीके से INDIA गठबंधन एकमुश्त होकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की बात करता है, वो तो विधानसभा चुनाव में तितर बितर हो गया, क्या लोकसभा चुनाव में प्रयागराज की सीट पर INDIA गठबंधन का जादू चलेगा क्या, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।